everyone, welcome back to my channel. Life Simplified by Sarika. Okay, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडॉप्शन के रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं अब तक ईमेल पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, वो क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज फिर से एक बार इस वीडियो के जरिए देखने वाले हैं। आंसर्स मैंने सबको तब के तब दे दिए हैं, लेकिन क्या होता है ईमेल पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, यूट्यूब के वीडियो में इतने नहीं आते और काफी सारे क्वेश्चंस बहुत वैलिड भी है। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि बहुत से पेरेंट्स का सेम शायद डाउट हो सकता है, तो अगर मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने रखूं तो आप ही का डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वही क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। किसी का भी नाम रिवील नहीं होगा, ना ही मैं स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे शो करूंगी, क्योंकि इन केस मुझसे अगर एडिटिंग करते वक्त नाम हाइड करने में गलती हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ईमेल करते हैं उनको उनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी, इसीलिए वो ईमेल करते हैं। ओके ओके, सो हम क्विकली देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। आप क्यों आए हो वीडियो में? आज इम्पोर्टेंट वीडियो शूट हो रहा है, आज आप नहीं चाहिए हमें इस वीडियो में। ओके, ये बीच में थोड़ा सा तो परेशान करेंगी, प्लीज डोंट माइंड। ओके, सो वन बाय वन हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप परेशान तो नहीं करोगे मुझे? क्या करोगे? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई अडॉप्ट अ बेबी, आई डोंट हैव माय ओन हाउस। ओके, उनका ये क्वेश्चन रियली वेरी वैलिड था और ये बहुत लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है। ओके, आप अगर रेंट के हाउस में रह रहे हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। आप सिर्फ कैपेबल हो या नहीं हो आपके बच्चे को संभालने के लिए, ओके, वही देखा जाता है। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा उनको लखपति वगैरह लोग चाहिए, तो घर खुद का नहीं भी होगा तो भी चलता है। ओके, क्योंकि मेरा भी खुद का घर नहीं है इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको ये बोल रही हूँ, घर खुद का नहीं होगा तो भी चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, हाउ टू चेक वेटिंग लिस्ट नंबर। सो तो ये वेटिंग लिस्ट नंबर कैसे चेक करना है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का नाम यही है हाउ टू चेक वेटिंग लिस्ट नंबर एंड हाउ टू चेक इमीडिएट प्लेसमेंट ऑप्शन। ओके, लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या आप सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, एडॉप्शन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट प्लेसमेंट के अंडर सारे एबनॉर्मल एंड बड़े एज के ही किड्स होते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता, सारे एबनॉर्मल बच्चे नहीं होते। एबनॉर्मल मीन्स, अभी आई डोंट नो आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है, लेकिन आपने अगर हेल्थ स्टेटस सिलेक्ट किया है तो उसी हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली आपको किड्स शो हो जाएंगे। ओके, और बड़े एज के बच्चे यानी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जिनके रेफरेंस रिजेक्ट होने के बाद वो इमीडिएट प्लेसमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, वो बच्चे वहां पे होते हैं, तो काफी सारे बच्चे अबव टू ईयर या 5 ईयर के अबव ही ज्यादा किड्स होते हैं, लेकिन वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, लेकिन सिर्फ होता है ना, कोई कोई पेरेंट्स कलर देख के रिजेक्ट करते हैं, लुक्स देख के रिजेक्ट करते हैं, अच्छा नहीं है दिखने में, ऐसे मत करो। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि कलर पे या लुक्स पे आप बच्चे को सिलेक्शन करो, कैसे कर सकते हो आप ऐसा, क्योंकि यू नेवर नो, आप एक मस्त अच्छा सा दिखने वाला बच्चा ले लो, बड़े होने के बाद उसको आप लोग नहीं पसंद आए एज ए पेरेंट, तो आप क्या करोगे, तो आप थोड़ी ना उसे छोड़ सकते या वो आपको छोड़ेगा। ओके, तो लुक्स पे मत जाइए, उन नन्ही जानों को तो पता भी नहीं होता वो किस घर में जाने वाले हैं। ओके, फिर भी वो हमारे भरोसे आ ही जाते हैं ना यहाँ पे, तो हम भी थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट कर लेंगे। लुक्स से क्या होता है, बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, हम जितना सिखाएं उतना ग्रास्प करना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बच्चा गोद लेना है बट हमारे घर में कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम क्या करें? ओके, ये क्वेश्चन के लिए, ये मुझे इतनी बार ये क्वेश्चन आता है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता है लोगों के लिए कि पेरेंट्स ऐसे क्यों होते हैं। कभी कभी क्या होता है,
हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेडी होते हैं एडॉप्शन प्रोसीजर के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर देते हैं। और कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ भी तो कमाल करते हैं, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, वो जो रिलेटिव जिनको सालों से नहीं मिले वो क्या सोचेंगे। क्यों इतना सोचते हो, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। और रही बात अगर आपके ही खुद के फैमिली मेंबर्स एग्री नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरी तरफ से तो सिर्फ यही सजेशन है कि आप एप्लीकेशन फिल कर दीजिए। ऑनलाइन होता किसी को खबर नहीं होती, जब होम स्टडी के लिए घर पे आएंगे तब आप काउंसिलर की हेल्प से उनका काउंसिलिंग कर सकते हो अच्छे से, काउंसिलर्स हेल्प करते हैं इस चीज में, ओके। क्योंकि होम स्टडी के लिए अगर आप साथ में रह रहे हो तो आपके पेरेंट्स के साथ, मतलब आप जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हो, तो फिर सबका होना जरूरी है होम स्टडी के वक्त। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो होम स्टडी भी हो जाएगी, किसी को क्या पता चल जाएगा, तो फिर नहीं बताओ उनको, है ना, क्या फर्क पड़ता है। बच्चा आने के बाद सब ठीक हो जाता है, पता है, बच्चे की शक्ल देख के ही सारे रेडी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं बच्चा दिखने में अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला मैंने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अडॉप्ट सिबलिंग्स। ओके, ये क्वेश्चन ना बहुत बारी आता है, क्योंकि क्या होता है लोगों को दो किड्स एट अ टाइम लेने हैं, तो उनको ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम करें। तो जो फर्स्ट वीडियो है ना फॉर्म फिलिंग का, उसमें मैंने क्लियरली दिखाया है कि सिबलिंग का ऑप्शन कहाँ पे है, आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओके। तो अगर आप उस ऑप्शन पे जाओगे तो वो ऑप्शन आपको बस क्लिक करना है वहां पे, तो उसके वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और यहाँ पे ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, ओके। तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीस जितनी मेंशन है उससे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्या? नहीं, फीस स्ट्रक्चर जितना कारा ने डिसाइड किया है उतनी ही फीस हमें देनी होती है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी होती। डोनेशन के तौर पे अगर आपकी मर्जी हो तो आप दे सकते हो, लेकिन कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है। गाइडलाइंस अगर आप रीड करोगे तो गाइडलाइंस में भी क्लियरली मेंशन है कि रादर देन फीस हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी पैसा नहीं देना है। इन केस आपसे कोई अगर बहुत ही ज्यादा पैसा वगैरह डिमांड कर रहा है, तो आप कारा की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे सलाह मशवरा ले सकते हो कि हम क्या करें। तो आप कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करना चाहते हो तो कंप्लेंट भी लॉन्च कीजिए, उससे पहले आप वही रेफरल वाली एजेंसी से अच्छे से बात करके देख लीजिए एक बार कि हमने कारा गाइडलाइंस में अच्छे से रीड किया है, ऐसे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो हम क्यों ये दे रहे हैं। और जो भी पैसा आप दोगे उसकी रिसीट 100% रिसीट लेनी ही है आपको, ये पक्का वाला ध्यान में रखिए, ओके। और फीस कितनी रहती है वो मैंने क्लियर मेंशन किया है, तो उस वीडियो की भी लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेबी हमारे साथ सच में एडजस्ट होता है आफ्टर एडॉप्शन? अभी आप ही देख लो होता है या नहीं होता है। 100% होता है बेबी, क्यों नहीं होगा एडजस्ट। आप खुले दिल से उसे अपनाओ, अच्छे से प्यार दो। बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। क्या चाहिए बच्चों आपको, बच्चों को क्या क्या चाहिए बताओ आप, बोलो बच्चों को क्या क्या चाहिए। तो बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, ओके ओके। आप जितने खुले दिल से उनको अपनाओगे, मन में कुछ भी बैर मत रखो, तो क्या है फिर, बच्चे तो अपने ही है, क्यों नहीं एडजस्ट होंगे। अभी मेरी बच्ची का रेफरेंस सिर्फ मुझे ही क्यों आया, मुझसे पहले भी तो कितने पेरेंट्स होंगे, उनको क्यों नहीं गया, क्योंकि ये थी तो मेरी ही। हाँ, तो इसके मम्मा पापा अगर हम ही है तो ये हमारे ही पास आएगी ना, ऐसा सोचो। Be positive always. Okay, next question है, how to adopt a baby boy. Okay, ये question मैंने क्यों लिया है purposely? ये जो baby boy के चक्कर में आप लोग illegal adoption में फंस जाते हो, क्यों फंस रहे हो? मैंने इस पे तो एक वीडियो भी बनाया आपके लिए ही, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, लेकिन thankfully कोई अभी कमेंट में रिप्लाई नहीं आ रहे। एक्चुअली अच्छी बात है ये, बहुत सारे वीडियोस के नीचे ना स्पेसिफिकली जहाँ पे आपने डाला है ना कि मैम हमें बेबी बॉय चाहिए, वहां पे देखो आप रिप्लाई में किसी कोई भी आता है बोलता है हम देंगे, हमारे पास एक महीने का बच्चा है, हमारे पास
न्यू बॉर्न बेबी है, ओके। तो ऐसे नहीं होता, उनके पास कहाँ से आए बेबीज, आप भी तो थिंक आउट करो ना, आप भी तो थोड़ा बहुत सोचो। लीगल वे से जाओगे, 3-3.5 साल आपको वेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर है, लेकिन फिर बच्चा तो हमारा ही होता है ना लॉन्ग लाइफ के लिए। इलीगल वे से जाओगे, सिर्फ क्या 1-2 साल के लिए आपको बेबी चाहिए, चांस बाय चांस किसी को नहीं पता चला और 17-18 साल ऐसे ही निकल गए। बाद में जब बच्चे बड़े होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे, आप क्या दिखाओगे उन्हें? कुछ नहीं दिखा पाओगे, फिर तो वो एक अलग ही बखेड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्यों इलीगल झमेले में अटकना, इसलिए ये बेबी बॉय वाला क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि मैं शायद भूल जाती है बात बोलना। तो वो जो कमेंट्स होती है वीडियोस के नीचे, एक तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होंगी, फिर आपके डाउट्स कैसे दूंगे ना, सारे लोग ईमेल थ्रू नहीं ना क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना, इसलिए। तो आप पे है अभी ये कंप्लीटली, आपको क्या रिप्लाई देना है, क्यों रिप्लाई देना है, और आपके मोबाइल नंबर क्यों छोड़ते हो आप कमेंट बॉक्स में? आपको डर नहीं लगता? मोबाइल नंबर मत छोड़ा करो, ईमेल आईडी दे दे तो, मोबाइल नंबर दे दे तो, क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे ईमेल पे करिए ना मैसेज, आप इसे ईमेल मत डालो कमेंट बॉक्स में, और मोबाइल नंबर तो बिल्कुल भी मत डालो, इट्स रियली नॉट सेफ फॉर यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा क्यों है? कि तो ये वेटिंग पीरियड सच में इतना ज्यादा क्यों है, इसका कोई वैलिड आंसर आई डोंट थिंक कि किसी के भी पास है। आप आपके रिप्रेजेंटेटिव से एक बार बात करके देख लीजिए, कारा की गाइडलाइंस रीड करके देख लीजिए, लेकिन ये बात तो है एज क्राइटेरिया के हिसाब से, और आपके फैमिली को जब तक सूटेबल किड्स वहां पे नहीं होता तब तक आपको रेफरल नहीं आता, ये बात तो सच है। ओके, नेक्स्ट है, हमें अडॉप्ट करना है बट इन 3 सालों में, मतलब जो वेटिंग के 3 साल होते हैं उनका मानना वो है कि अगर इन 3 सालों में मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हमें फिर भी बच्चा गोद लेना ही पड़ेगा? ओके, तो ये क्वेश्चन वैलिड है उनका। तो क्या है मेरी तरफ से राय कि अगर आप चांस बाय चांस प्रेग्नेंट हो गई और आपको नहीं करना है अडॉप्शन तो आप विथड्रॉल कर सकते हो, ओके। वेटिंग लिस्ट नंबर एंड इमीडिएट प्लेसमेंट ऑप्शन कैसे चेक करना है वो वाले वीडियो में मैंने दिखा है विथड्रॉल कैसे करना है, या आपको जिस एजेंसी से रेफरल आया है उनसे आप क्लियरली बात करके देख लीजिए, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे, ओके। लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करता कि आपने अप्लाई किया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे मत सोचो आप। तो ये सोच के भी बहुत सारे लोग एप्लीकेशन ही नहीं फिल कर रहे, ऐसा क्यों करते हो? एप्लीकेशन तो फिल कर दो, फिर 3 साल है, फिर देख लेंगे 3 साल में, है ना। ओके, नेक्स्ट है, आपकी एडॉप्शन जर्नी क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसको तो बस ऐसे ही कि इसके पापा का और मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा है, हम दोनों भी तो चाहिए ना सेम वीडियो करने के लिए, और ये भी तो बंदर चाहिए, तब ये सो जाती है दोपहर में, इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हम जल्दी से जल्द करेंगे ये सब कुछ, ओके। सो नेक्स्ट है, होम स्टडी के वक्त हमारे पेरेंट्स का वहां होना जरूरी है क्या? जी हाँ, अगर आप उनके साथ रहते हो तो 100% उनका वहां पे होना जरूरी है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हो तो भी आई थिंक या तो मेल की या तो फीमेल के पेरेंट्स तो चाहिए ही। आप HSR एजेंसी वालों से बात कर दीजिए, अगर कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव काफी ज्यादा, ये क्यों पूछा है उन्होंने, उनसे बात हो गई थी मेरी कि उनके पेरेंट्स ना एग्री ही नहीं कर रहे उनको, मतलब एडॉप्शन प्रोसीजर के लिए, और उनकी शादी को काफी साल हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन डाला था। तो उन्होंने कर दिया, अप्लाई कर दिया, उनकी होम स्टडी भी हो गई अच्छे से, तो ये अच्छा लगता है। लोग बाद में भी जब रिप्लाई देते हैं ना तो वो भी ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा ये भी हो, नहीं तो क्या होता है, मुझे भी तो थोड़ा सा रहता ही ना मन में कि क्या पता उन्होंने अप्लाई किया भी या नहीं। तो ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन ऑल्सो अडॉप्ट अ बेबी? यस ऑफ कोर्स, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है ये बेसिकली आपको उनको क्लियरली बताना ही होगा, है ना। ये पहला है, ऐसी कोई बीमारी आपको है जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा नहीं है तो आप 100% एडॉप्शन कर सकते हो। जानलेवा बीमारी अगर आपको होगी, क्रोनिक डिसीज यानी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, तो इनमें से कुछ भी होगा तो ही आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर आपको कुछ हो ही गया, मतलब ये डिक्लेयर्ड है कि आपको इतने इतने सालों में
कुछ तो होने ही वाला है, तो नहीं देता कारा बेबी आपको। अगर चांस बाय चांस अभी देखो हमने एडॉप्शन कर लिया है, आफ्टर एडॉप्शन हमको कोई क्रोनिक डिसीज हो गया तो कोई क्या कर सकता है ना, तो उसके लिए भी वैसे तो होता ही है सोल्यूशन उनके पास, वो जो गार्डियन का वो करके लेते हैं ना, तो वो उसी के लिए होता है वो डॉक्यूमेंट गार्डियन का। तो आप अगर फिजिकल डिसेबल्ड, मतलब आपको क्या फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपको मेंटल डिसेबिलिटी होगी, अगर आप मेंटली चैलेंज्ड होंगे तो नहीं, फिजिकली चैलेंज्ड तो हो सकता है। ओके, HSR की एजेंसी वालों के साथ आप बात करोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे। कोई भी ना ऐसे दबा के नहीं रखना है कि डर ये बीमारी है तो हम कैसे शेयर करेंगे। डायबिटीज एंड ऑल, डायबिटीज वालों को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ी ना लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, तो डायबिटीज वाले भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट इफ माय हस्बैंड कांट जॉइन मी टू पिक द बेबी एज ही इज रियली बिजी इन हिज जॉब एंड लिविंग समवेयर एल्स। तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ आर्मी नेवी एंड ऐसा कुछ जो आप देश की सेवा के लिए करते हो वही लोगों के लिए ये होता है कि आप में से कोई एक पेरेंट वहां पे एट ए टाइम जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का तो रीजन वेरी जेन्युइन है ना, वो नहीं आ सकते ना वहां पे बॉर्डर को छोड़ के सिर्फ एडॉप्शन करने के लिए, हालांकि उनको भी आना होता है। ऐसे कोई पेरेंट्स होते हैं जिनको ऐसे होता है कि मुझे नौकरी ज्यादा प्यारी है मेरी, तो ओके, लेकिन रादर देन दिस आई डोंट थिंक कि अलाउ करते हैं। मम्मी पापा, बच्चे के होने वाले मम्मा एंड पापा तो कंपलसरी वहां पे चाहिए ही, उसके अलावा आप किसी और को लेके जाओ नहीं लेके जाओ डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मम्मा एंड पापा तो वहां पे चाहिए ही। ओके, तो इनके साथ सॉर्ट आउट हो गया है, इन्होंने बेबी भी घर पे लाया है। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट कौन कौन सी करानी होती है। ओके, तो उनको था ही ये क्वेश्चन, मैं बहुत टाल रही हूँ इसका आंसर, यूट्यूब पे भी बहुत बार ही आता, मैं क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है टेस्ट के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि हम क्यों करेंगे टेस्ट, और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं फिर बहुत महंगे टेस्ट है तो इसी में इतना पैसा जाएगा तो हम कैसे करेंगे, होता है ना फाइनेंशियल क्राइसिस होता है लोगों का। सो आप गवर्नमेंट में जाके मेडिकल टेस्ट करवाओ, वहां पे तो काफी कम पैसे में हो जाएगा। एंड टेस्ट होती है HIV की मेन होती है, हेपेटाइटिस बी की भी होती है, एंड इसके अलावा हर HSR एजेंसी के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उनकी तरफ से पूरी लिस्ट आ ही जाती है आपको, HB वगैरह वो सब कुछ आता है उसमें। ओके, तो वो सब कुछ आपको चेक करा के देना ही देना है, थायराइड डायबिटीज वो सब कुछ। ओके, क्या हम बेबी के मेडिकल रिपोर्ट्स भी मांग सकते हैं? जी हाँ, CSR में सब कुछ मेंशन्ड होता है, और मेडिकल रिपोर्ट्स अगर बेबी के कुछ नेसेसरी रहेंगे, अगर बेबी एडॉप्शन के पहले, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने का बेबी था तब उसको कुछ बीमारी हुई, वो एडमिट था हॉस्पिटल में, तो वो भी आपको बताया जाता है, भले आज बेबी 5 महीने का या 4 महीने का हो, लेकिन फिर भी आपको वो बोल दिया जाता है कि उसको तब क्या हुआ था वगैरह, वो कुछ नहीं छुपाते हमसे। इसके अलावा भी आप CSR अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, फिर भी आपको लग रहा है आपके डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो कि कौन कौन से टेस्ट हम बेबी के ले सकते हैं, लेकिन आप अगर बेफालतू में लिस्ट पे लिस्ट दिए जाओगे तो बिल्कुल वैलिड नहीं है ये, क्योंकि वो छोटी सी नन्ही सी जान है, उसका ब्लड निकालना है तो आपको भी तो उसके बारे में सोचना ही होगा, है ना। बहुत ज्यादा ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लाओ ही मत दिमाग में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, HIV टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस बी टेस्ट हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये तो वो लोग भी प्रोवाइड करते ही है, चांस बाय चांस अगर उन्होंने नहीं दिए इसके रिपोर्ट्स तो आप डिमांड कर सकते हो, विद इन 3 या 4 डेज आपको रिपोर्ट्स वो लोग मेल करते हैं, PDF फॉर्मेट में भेजते हैं, वॉट एवर इट में भी, क्योंकि 15 या 20 दिन के अंदर आपको जाके बेबी की कस्टडी लेनी है, तो इस बीच यही सब कुछ तो करना होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आई एम अ वर्किंग सिंगल गर्ल बट माई हार्ट इज टू शॉर्ट, कैन आई अडॉप्ट अ बेबी, विल दे एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन? Yes, of course you can adopt a baby. आपकी हाइट मैटर नहीं करती, क्या आप बच्चे को संभाल पाओगे ये मैटर करता है। ओके, तो आप मतलब फाइनेंशियली कैपेबल हो क्या, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपके बेबी को कौन देखेगा, वो सब कुछ विथ डॉक्यूमेंट्स आपको उनको प्रोवाइड करना होगा, एंड येस ऑफ कोर्स आप 100% बेबी अडॉप्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज, बेबी के नाम पे कंपल्सरी कुछ तो करना होता है ऐसा सुना है, क्या ये सच है?
हमें नहीं पता, हमारी रेफरल वाली जो एजेंसी थी उनके तरफ से तो हमें ये कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने स्प्रू के नाम पे पॉलिसीज निकाली हैं। एंड जो है बच्चों का तो है, अगर ऐसी किसी एजेंसी का ये रूल होगा कि करना है कुछ प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे, तो क्या प्रॉब्लम है, जो है वो बच्चों का ही तो है ना, तो बिंदास कर लीजिए। ये क्या पॉइंट हुआ, मतलब ऐसे सोच के मत आप पीछे हट जाओ, आगे जाके वो तो वो है ही हमारे बच्चे, तो उनपे नाम पे हमने प्रॉपर्टी कर भी दी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज, मेरे किसी रिलेटिव को दो बेटे हैं, उन्हें वो बेटी नहीं चाहिए, ओके, क्या हम उसे लीगल प्रोसीजर से अडॉप्ट कर सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इनके साथ हो गया है, ये तो बहुत 8-9 महीने पहले का क्वेश्चन था और उन्होंने वो बेबी अडॉप्ट कर भी लिया है। ओके, तो हाँ, अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव जिनको लड़की हो या लड़का हो उनको नहीं चाहिए, वो आपको देने के लिए तैयार हैं, तो आप 100% वो कर सकते, लेकिन प्लीज लीगल वे से ही एडॉप्शन कीजिए। सिर्फ ऐसे कि रिलेटिव ही है, क्या होगा, हमारा भरोसा है, ऐसे मत करो, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी तो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये 100% आपको लीगल तरीके से ही करना है, और बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या उस बच्चे को उसके रियल पेरेंट्स के बारे में पता होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बच्चा है वो आपके साथ रह रहा है, अटैचमेंट तो आप ही से होती है। ओके, तो अगर आप खुद से उसे बोल दोगे कि उनके पेरेंट कौन है, उसकी एक सर्टेन एज होने के बाद, तो वो आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे होता ही है जो खुद से बोल ही देगा बच्चे को, इससे बेटर हम ही बोलेंगे, है ना। और मैंने वो वाला भी वीडियो बनाया है कि बच्चों को कैसे डिस्क्लोज करें दैट दे आर अडॉप्टेड, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए रेफरेंस के तौर पे, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। ओके ओके, आई एम अ डिवोर्सी, कैन आई अडॉप्ट अ बेबी, ओके, ये मेल फीमेल दोनों की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन है मुझे। यस, डिवोर्सी पर्सन अडॉप्ट कर सकता है, मेल हो गए आप तो आप सिर्फ मेल जेंडर का बेबी अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो आप दोनों जेंडर के बेबीज अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, आई एम अ सिंगल वर्किंग वुमन, व्हाट इफ आई अडॉप्ट अ बेबी बॉय एंड एनीथिंग हैपेंस टू मी, देन व्हाट अबाउट माय बेबी। क्वेश्चन बहुत वैलिड है, मैंने अभी बोला गार्डियन का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो आपको अगर इनकेस कुछ हो गया तो बेबी की कस्टडी आपके वो जो गार्डियन का जिसने पेपर बनाया है उनके पास बेबी की कस्टडी चली जाती है। और ये सिंगल पेरेंट्स के लिए नहीं होता, ये कपल्स के लिए भी होता है, हमने भी बनाया है गार्डियन का सर्टिफिकेट। ओके, तो ये देना ही होता है, ये करना ही होता है, ये बच्चे की सेफ्टी के लिए होता है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट है मैम, क्या सिर्फ एक ही बेबी दिखाया जाता है उसे ही अडॉप्ट करना पड़ता है, व्हाट इफ हमें वो पसंद नहीं आया तो? शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर हर बर्थडे, अभी 1 महीना बाकी है बच्चा पूरा। ओके, तो क्या था, हाँ ओके, पसंद नहीं आया मीन्स व्हाट, पसंद नहीं आया मतलब अगर कुछ मेडिकल इश्यूज है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो ही आप रिजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज दिखने में अच्छा नहीं है, कलर वैसा नहीं है, ये सोच के अगर आप डिसीजन लेने वाले होंगे तो बहुत गलत बात है ना ये। और हाँ, फोटो एक आता है, दो आता है, तीन आता है, ये डिपेंड्स, एवरी टाइम चेंज होता रहता है, डोंट नो व्हाई, मे बी बेबीज की अवेलेबिलिटी पे होगा ये, हमारे वक्त जब हमारा अडॉप्शन हुआ था 2017 में जब हमने अडॉप्ट किया था तब तीन तीन फोटोज आते थे ऐसे, हाँ तब तीन तीन फोटोज आते हैं ऐसे हमें बोला गया था, लेकिन हमें रेफरेंस सिर्फ एक ही आया, सिर्फ स्प्रू की फोटो हमें आई। ओके, तो वैसे भी होता है, अगर आप जेन्युइन रीजन दोगे तो आपका रिजेक्शन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आपको नेक्स्ट रेफरल भी आता है विद इन 30 डेज आता है, नेक्स्ट रेफरल मुझे नहीं पता क्योंकि हमने वो चांस ही नहीं लिया था। एंड अगर आपका रीजन वैलिड नहीं होगा तो फिर आपको विथड्रॉल कर दिया जाता है कारा की तरफ से, क्योंकि उनको पता है ना बेबी में कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आप मतलब कुछ उस पे थोप रहे हो बेबी पे तो फिर वो लोग तो आपको विथड्रॉल ही करेंगे, उनको ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से इतना कर रहे हो तो आगे जाके आप बेबी को क्या ही ध्यान दे पाओगे, ऐसे वो लोग सोचते हैं, है ना। और
यहाँ पे बेबी किसी पे भी जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, बेबी के बारे में कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जाती। आपको ट्रस्ट रखना होगा सिर्फ, क्योंकि क्या होता है बच्चे की फ्यूचर का भी तो सवाल है। आपको आज झूठ बोल के बच्चा दे दिया, बाद में आपको वो बीमारी पता चल गई, तो उस बच्चे का तो आप तो मतलब उसको गुस्से से ही बात करोगे, आप उसको अपनाओगे नहीं, तो वो बच्चे की तो फ्यूचर खराब ही हो गई ना फिर तो वो ऐसा नहीं चांस लेते। ओके, तो ट्रस्ट रखिए एकदम 100%। नेक्स्ट है मेल, वो मेल है बेसिकली, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेल गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते। ओके, उनका देखो ख्याल तो आपका बहुत अच्छा है। ओके, तो मेल गर्ल चाइल्ड क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकता, ऐसे कारा को लगता है कि बाद में जाके जो गर्ल्स की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो आप कैसे डील कर पाओगे, ऐसे उन्हें लगता है। या आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके देख लीजिए, शायद आपको इससे ज्यादा वो लोग डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है, आपको अडॉप्ट ही करना है, बेबी बॉय ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम होता है, है ना। मेल को कभी भी फीमेल चाइल्ड नहीं देते। ओके, दैट्स इट, इतने क्वेश्चंस थे और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज बेझिझक मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी एवरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से ना किसी और को भी हेल्प हो जाती है आपकी वजह से, है ना। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो आप प्लीज ये शेयर कीजिए। अगर आपको बेबी अडॉप्ट नहीं करना है लेकिन ऐसे कोई होंगे जिन्हें अडॉप्शन के प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, तो आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, तो प्लीज आप ये वीडियो देखते रहिए और एडॉप्शन सीरीज के अलावा भी मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, अगर आप उन वीडियोस को भी अप्रिशिएट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।